हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड के आदिवासियों में प्रचलित बधमूल्य के बारे में, क्योंकि जेएसएससी के एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि झारखंड के आदिवासियों में जो है बधमूल्य दिया जाता है, तो उस बधमूल्यों को क्या क्या कहा जाता है। इसमें से जो है कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट आदिवासियों के बीच में जो है बधमूल्य, उनके बारे में अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आदिवासियों का निवास झारखंड में आदिकाल से ही है। आदिवासियाँ प्रकृति पूजक होते हैं। तो दोस्तों, झारखंड में जो है आदिकाल से ही आदिवासियों का निवास रहा है। ये बहुत ही पुराने समय से ही झारखंड में रहते हैं और आदिवासियाँ जो है वो प्रकृति पूजक होते हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि इनका जो पर्व त्यौहार होता है वे भी प्रकृति से रिलेटेड होते हैं, तो ये प्रकृति पूजक होते हैं। झारखंड में कुल 32 जनजातियाँ निवास करती हैं, जिसमें 24 जनजाति प्रमुख श्रेणी में और 8 आदिवासियाँ आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि टोटल 32 एसटी यानी कि जनजातियाँ निवास करती हैं, जिसमें से 24 जो है वह प्रमुख श्रेणी में और 8 जो है जिनको आदिम जनजाति की श्रेणी में यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पर टोटल 32 जनजातियाँ निवास करती हैं। आदिवासियों में विवाह के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कि क्रय विवाह, सेवा विवाह, हरण विवाह आदि। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि विवाह के भी यहाँ पे विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं आदिवासियों के बीच में। उसमें से क्रय विवाह होता है, सेवा विवाह होता है, हरण विवाह होता है। इसके अलावा में और भी सारे बहुत विवाह के प्रकार हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ भी होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि विवाह में बधमूल्य भी दिया जाता है। तो यहाँ पर विवाह होता है तो उसमें कुछ कुछ बधमूल्य भी दिया जाता है, तो यहाँ इसी चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आदिवासी इधर है और इधर बधमूल्य, तो जो जो आदिवासी हैं उनमें कौन कौन से बधमूल्य दिए जाते हैं, बधमूल्य का नाम क्या है, वो यहाँ पर दिया गया है, आप लोगों को बताया गया था। चलिए, संथाल आदिवासी में जो बधमूल्य होता है उसको पौन कहा जाता है, महली आदिवासी में पौन टका, कोरा आदिवासी में पौन, हो में पौन या गोनों कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये जो है संथाल, महली, कोरा और हो, ये लगभग लगभग समान है। संथाल में पौन कहा जाता है इसी बधमूल्य को, महली में पौन टका, कोरा में पौन, हो में पौन या गोनों कहा जाता है। आगे देखते हैं, करमाली में इसी बधमूल्य को कहा जाता है पौन या हंडुआ या हठुआ, तो ये कहा जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, पौन, हंडुआ या हठुआ, ये करमाली में। मुंडा आदिवासी में इसी को कहा जाता है गोनों टका या कूरी गोनों, तो ये ध्यान रखेंगे। संथाल और मुंडा ये तो इम्पोर्टेंट है ही, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। मुंडा में इसी गोनों टका या कूरी गोनों कहा जाता है। खड़िया आदिवासी में गिनिंग तंग कहा जाता है इसी बधमूल्य को, जो कि दिया जाता है शादी के समय में। बेदिया में डाली टका कहा जाता है, किसान में डाली, बिंजिया में डाली कटारी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि बेदिया आदिवासी में डाली टका, किसान आदिवासी में डाली, बिंजिया में डाली कटारी, ये तीनों लगभग एक ही टाइप का है। कंवर आदिवासियों के बीच में इसी को सुखदाम कहा जाता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ कोल आदिवासियों के बीच में इसी को पोटे कहा जाता है, चिरा आदिवासियों के बीच में दस्तूरी कहा जाता है और बंजारा आदिवासी के बीच में इसी को हरजी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग इस सबको सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कंवर के बीच में इसी को सुखदाम कहा जाता है, कोल जनजाति के बीच में पोटे, चेरों में दस्तूरी और बंजारा में हरजी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि आदिम आदिवासियों के बीच में जो कहा जाता है वे बधमूल्य को क्या क्या कहा जाता है, उसी को भी देखते हैं। तो यहाँ पर सबर आदिम जनजाति के बीच में इसको पोटे कहा जाता है, परहिया आदिम जनजाति के बीच में इसी को डाली कहा जाता है, असुर के बीच में डाली टका कहा जाता है, माल पहाड़िया के बीच में पौन या बंदी, सूर्या पहाड़िया लोग इसी को पौन कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आदिम आदिवासी जो कि यहाँ पे 5 को बताया गया जबकि यहाँ पे 8 होता है। तो यहाँ पे सबर के बीच में पोटे, परहिया के बीच में डाली, असुर लोग इसी को डाली टका, माल पहाड़िया लोग इसी को पौन या बंदी कहते हैं और सूर्या पहाड़ी जो है वे लोग इसी को पौन कहते हैं। तो ये कुछ आदिवासियों के बीच में जो बधमूल्य था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये सब सारी जानकारी को आप लोगों को ध्यान रखना है, किस प्रकार से यहाँ पे बधमूल्यों को कहा जाता है। और यहाँ पे टोटल जानते ही आप लोग 32 आदिवासियाँ निवास करती हैं, इसमें से 8 आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें थे बधमूल्य वो मैंने आप लोगों को बता दिया है।